हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि हेमिस्फीयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गोला का बात करते हैं तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, जबकि अर्धगोले का जब बात करते हैं तो दो केस इसमें आता है, अर्ध मतलब होता है आधा गोला, यानी कि हेमिस्फीयर। तो इसको हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए इस गोले को करेंगे दो पार्ट में डिवाइड। चलिए करते हैं, देखिएगा, इसे हम आज प्रैक्टिकली ही बताएंगे। तो इस प्रकार हमने किया इसे दो पार्ट में अलग अलग। तो आप देख सकते हो हमने क्या बोला, इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, हाफ हाफ बांट दिए 2πr², लेकिन टोटल सरफेस एरिया का जब बात करेंगे तो 2πr² प्लस, आप सामने से देख सकते हो दिख रहा होगा एक सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है πr². तो हमने पिछले वीडियो में देखा क्या कि चार सर्कल को ऐड करने पर एक गोला बनता है, लेकिन जिससे जब हमने इसे दो इक्वल पार्ट में बांटा तो देखा क्या, दो सर्कल का पार्ट तो दिख रहा है इधर, एक सर्कल इधर भी दिख रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 3 सर्कल, तो 3πr² होगा। तो समझ गए होंगे, अगर इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का बात करेंगे तो सिर्फ ये पार्ट होगा ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर के हिस्सा के लिए क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², हाफ करने के लिए बाई 2, तो 2πr², क्लियर है। और 2πr² में अगर टोटल का बात करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप देख सकते हो एक सर्कल भी इसमें ऐड हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के पास मिलते रहे और पहुँचते रहे।